लोग आए हो, अच्छे होंगे। अभी टाइम हुआ है 8:30 और मैं अभी नहाई हूँ, बस नहाई हूँ, जोत जलाऊंगी और फिर बनाते हैं खाना। और यह चाहत भी ना सबसे पहले नहाकर बैठ गई है, नहीं तो संडे को मजा लिए नहा ले। अभी दिखाती हूँ, यह सुबह सुबह नहाकर और नए कपड़े पहन कर बैठी है, नए फर्स्ट टाइम पहनी इस नए शर्ट। तो आई ऊपर करवा के आया है क्या, छत की सफाई, पूरी छत साफ कर दी? नहीं तो थोड़ी सी करके पसीने आ गए इसको। तो बना दूँ खाना, जोत जला दूँ फिर बना रही उसके बाद खाना। आज हमने बनाई है ये वाली सब्जी, आलू बॉईल करके जो पूरी के साथ खानी है सब्जी। और यहाँ पर मैं बनाने लग रही हूँ पूरी, आज सब्जी पूरी खाएंगे। अभी बस फटाफट बनाती हूँ, आई और चाट को देखकर मैं भी खाऊंगी, क्योंकि कल मेरा फास्ट था तो आज मेरे पेट में चूहे कूदने लग रहे हैं बहुत तेज, और सब्जी पूरी का नाम आते तो वैसे ही कूदने लग जाते हैं। तो फटाफट बना लेती हूँ, बस ये घी गर्म हो जाए उसके बाद डालते हैं सब पूरी। ये दोनों तो खाने लग गए बनते के साथ सब्जी पूरी। और चलो चाट तो नहा ली थी, आयु तो नहाया भी नहीं है ना, आयु बिना नहाए खा रहा है। और मैंने अभी गैस को कर दिया है मंदा, मैं जा रही हूँ लेने चाय इस जग में। अभी चाय लेकर आते हैं, लस्सी मैं लेकर आ गई हूँ, ये फ्रेश गाय के दूध की लस्सी। ये मैं अभी अपनी सब्जी पूरी और जो अभी ये लस्सी लेके आई थी ये लेकर आ गई हूँ। अभी खाती हूँ फटाफट, पसीने भी आ गए बनाते बनाते। बहुत तेज भूख लग रही है सच में, टी शर्ट भीग गई पसीने से। और आज पता है ये सब्जी पूरी क्यों बनी है और किसने बनवाई है? या चाहत ने बनवाई है, आज उसका हैप्पी बर्थडे है इसलिए आज सब्जी पूरी बनवाई है कि मेरे बर्थडे वाले दिन सब्जी पूरी बनानी है। उन्होंने तो खा ली है, मैं खाती हूँ। अभी दिन में देखते हैं और क्या करते हैं बर्थडे वाले दिन। चाहत खड़ी हो गई है जाने के लिए, तैयार खड़ी नहीं है, तैयार हो गई जाने के लिए, छोटी भी जा रही है। और ये आई हो गौशाला जा रहे हैं हम चाहत के बर्थडे पर, गौशाला देखते हैं जाकर। हैं टॉफी भी बांटेंगे, वो रखी है गाड़ी में ही। चाहत ने उठा ली अपनी चॉकलेट इसमें और पहुंच गए गौशाला। अंदर देखते हैं कितने बच्चे मिलेंगे कितने नहीं। अभी ये छोटी कहाँ रखी है अपनी गाड़ी में, फर्स्ट चॉकलेट आई और छोटी को मिली है। मुझे मिली है। आपको मिली फिर छोटी को मिली, आपने कल ही निकाल ली थी। और यहाँ इतना पानी भरा खड़ा है जैसे बाढ़ आई हो यहाँ भी, इसमें कितने तो मच्छर बैठे हैं। दो बच्चे तो मिले हैं सुबह सुबह आते जब, तो बहुत सारे रहते हैं, अभी तो दो ही मिले हैं और भी है ये नहीं पता अभी कहाँ है। और अभी पीछे वो एक भैया थे उनसे पूछा है, वो कह रहे सारे बच्चे ट्यूशन गए यहीं आसपास ही है कहीं, तो देखते हैं कहाँ पर है। संडे है, ये छोटे छोटे बच्चे तो बोल रहे हैं वो स्कूल गए, और आज संडे स्कूल तो कहाँ से जाएंगे, अभी यहीं पर पढ़ते हैं गौशाला वाले, यहीं इनका स्कूल है यहीं ट्यूशन, तो चलते हैं उन बच्चों के पास ही। गए हम ये यहाँ ट्यूशन पढ़ने लग रहे हैं, चप्पल तो निकल जाएगी, दे दे सबको। बिस्किट भी सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने लग रहे हैं बैठकर। वहाँ देख कर आओ पीछे से जाकर, यहाँ इनको दे दिया। चलते हैं वापस कहीं और देखेंगे कहाँ पर बच्चे मिलेंगे। और यहाँ आओ, इस साइड आओ छोटी, आओ
गाय के बच्चे को देखने लग रहे। इनको भी दे दो, इनको भी दे दे। सही कह रहे, गाय के बच्चे को भी दे दो, शुगर हो जाएगा इनको। अभी जा रहे हैं वापस, यहाँ पर जितने बच्चे थे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब बाहर जाकर देखते हैं, बाहर बच्चों को एक एक करके देनी पड़ेगी अब, क्योंकि यहाँ तो इतने सारे एक साथ ही मिल गए थे, बाहर एक साथ इतने नहीं मिलेंगे। गौशाला में देने के बाद ये हम आ गए थे टेंपल के बाहर। यहाँ बच्चे तो बहुत सारे मिल गए थे, पर ये बच्चे क्या कर रहे थे, एक बार लेकर एक साइड से और दूसरी बार लेने लग रहे थे। अब ये रेड टी शर्ट वाला ही जैसे खड़ा है, इसने एक बार ले ली और फिर से बोल रहा है कि मैंने नहीं लिया है। तो इन बच्चों का थोड़ा सा यहाँ ऐसे रहता है। गौशाला वाले बच्चे अच्छे थे, एक एक करके सारे बैठे हुए थे, आराम से ले ली थी सबने। ऐसे में अब ये बच्चे ऐसे करते ना तो ये भी नहीं पता लगता कि किसको मिली है किसको नहीं मिली, और इनको बोलो लाइन बना के खड़े हो जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वैसे हमने एक एक करके सबको ही दे दी थी, और वो जो गार्ड अंकल यहाँ खड़े हुए थे वो भी देखने लग रहे थे कि किसको मिली किसको नहीं मिली, सबको ही मिल गई थी। चॉकलेट बांटने के बाद अब हम आ गए हैं नर्सरी में, एक पेड़ लेना है। कौन सा पेड़ लेंगे वो देखना है अभी। मैं तो नीम का सोच रही हूँ, एक कप के नाम का। आयु बोल रहे कि मेरे बर्थडे पर नहीं लगाए थे, एक मेरे नाम का भी लो। इतनी बड़ी नर्सरी है और पता नहीं कितने हजारों में पेड़ रखे हैं। ये इस साइड इंडोर लिखा हुआ और लिख रहा, उस साइड सारे गमले। और ये पेड़ तो छोटा सा प्लांट है, ऐसा लग रहा है सांप की तरह एकदम कि कोई से सांप की तरह हो। ये पेड़ 15,000 का, चार दो दो पेड़ लेकर आ रही है, यही रख दे अभी तो। फ्लावर है आपके में, फ्लावर आ ही नहीं सकता, फ्लावर नहीं आ सकता आपके में। अभी बना रही हूँ मैं चिल्ले, बनाऊंगी प्याज वाले। सुबह पूरी बनाई थी, अभी अभी 10 मिनट बाद टाइम 1:30 बज रहे हैं, 10 मिनट पहले ही मैं पूरी बनाकर लेकर गई हूँ। अब मैं बना रही हूँ चिल्ले, पूरी तो हम सबको ही खानी थी, चिल्ले खाने भी पापा को। तो मैंने सोचा प्लेन क्या बनाऊँ, सिंपल वाले प्याज वाले बना लेती हूँ, तो अभी चिल्ले बनाते हैं। टाइम लगेगा थोड़ा सा, हरी मिर्च भी कट कर दी अभी से। तो ये चिल्ले के लिए बैटर कर लिया रेडी, इसमें बस प्याज, दो हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाल रहे हैं। अब तवा गरम हो जाए फिर बनाते हैं चिल्ले सरसों के तेल के साथ। गाइस तवा मेरा हो गया गरम, अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। डालेंगे अपना बैटर जो ये भी मिक्स किया था, प्याज ही प्याज हो रखी है। थोड़ा सा सीखने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, ताकि तब मैं इसको, जब मैं इसको पलटूँ तो ये दूसरी साइड से भी, अभी तो ये सिका ही नहीं है, कच्चा है, अच्छे से सीख जाए। गाइस जब ये थोड़ा सा सीख जाए पता लग जाएगा, ऐसे साइड से उठा के देखेंगे तो उसके बाद इसको पलट लेना है, पलट थोड़ा थोड़ा आराम से करके, ऐसे करके ऐसे पलटते हैं। अभी थोड़ा सा सिखाए इस साइड से तो अब दूसरी साइड से और सीख जाएगा, 2 मिनट में दिखा दो दे मेरा चिल्ला। इतना बढ़िया सिखा है बिल्कुल, ना जला है कहीं से ना कुछ। सॉस के साथ ले जा रही है ये बाबा के लिए, सॉस से खिलाएगी, अपनी वाली आदत लगाएगी। एक और बना देती हूँ इसमें से। अभी पेड़ लगाने के लिए आयु खोदने लग गया है गड्ढा, ईट आ गई शायद, इससे खुद ही नहीं रहा अभी।
ईट आ गई। मैं खो दूं? दिखा मेरे को एक बार। आयु ले आया नीम का पेड़, नीम का लगाएंगे। आपका बड़ का घर रखा है? यहाँ नीम का ही लगाएंगे, बड़ के लिए कहीं और जगह ढूंढते हैं। अभी गड्ढा थोड़ा कम खुदा है, इसको और खोदती हूँ। अभी आप खोदोगे? गाइस गड्ढा तो खोद दिया है आयु ने, इसमें लगा भी दिया। इतना सही है, और करूं? सही है, बहुत नीचा हो गया वैसे भी। मैं करती हूँ इसको, आप पानी लियो इतने, ठीक है? बाल्टी में थोड़ा सा। बस मैं करती हूँ भैया, मच्छर है, मच्छर भी बहुत ज्यादा हो रखे बारिश के चलते वैसे भी। ओह आप लियाओ पानी इतने, क्योंकि पसीने ही पसीने आ गए। पानी लेके आया था, पानी डाल दिया और उसको लगा दिया। थोड़ा बड़ा हो जाएंगे जब उसकी लकड़ी लगा देंगे, नहीं तो ये झुकने का डर रहता है। मच्छर खा गए ना? ओ चल 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 चल, ऑयल लगाऊंगी जाके और इन पैरों को वॉश करो। चलो चलो, ये दूसरी जगह है, वहाँ तो नीम का लगा दिया था, यहाँ है बड़ वाला लगाने। ये रहा बरगद का गड्ढा, मैंने खोद दिया। यू कह रहा इसको मैं लगाऊंगा इसकी पन्नी हटाने लग रहा है, और धूप बहुत तेज हो रखी है। आयु के दिख ही रहा होगा, पसीने से आने लग रहे हैं। ऊपर उठाओ इसको, मैं हटा देती हूँ हाथ से। हट गई, कोई बात नहीं, वो तो फैल जाएगा। आप लगाओ सीधा सीधा, स्ट्रेट सीधा। ए नहीं, टेढ़ा हो गया अब तो। घुमा ले इसकी डायरेक्शन, घुमा दे। हाँ जी ऐसे घुमा दे, दूसरी साइड कर दे। सही है, मिट्टी डाल दे इसमें अभी। ये सारी मैं डालूं? मैं डालती हूँ इसमें, शायद कीड़े से हैं। आराम से चलते डालो इसके अंदर, डाल यहाँ। हमने ऐसी जगह लगाया है, अगर आयु के एकेडमी जाएंगे ना तो ये रास्ते में पड़ेगा। अब आते जाते टाइम इसमें पानी भी दिया जाएगा। चले चलो भैया, देख पसीने दिखा, पूरा फेस भीग गया। चाह ट्यूशन से आते टाइम अपना केक भी ले आई है, अभी दिखाते हैं इसका कैसा केक था। कल हम ऑर्डर करके आए थे, अभी दिखा रहे हैं कैसा केक था। पिन लगी हुई है, चक्कू ले ले, चक्कू से निकल जाएगी साइड से। थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है वहां से अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, खुल जाएगा जब पूरा ही दिख जाएगा। खुल गया सिम खुल गया, खुलने लग रहा है, अभी टाइम लग रहा है। पिन लगी हुई है पर इनका, ओ वाह बढ़िया ये बना है, कितना अच्छा केक बना है। हम जब भी इनको ऑर्डर करते हैं ना, सच में ही हम सेटिस्फाई रहते हैं इनके केक से। बहुत अच्छा बना है ये वाला भी। लास्ट हमने आयु का किया था मैथ के बेस पर, और ये वाला कैसा लगा? बढ़िया, जैसा बोला था बढ़िया। अब इसको रख देते हैं फ्रिज में, क्योंकि रात को कटेगा, और अभी तो टाइम हुआ है 5:30 बजे हैं। फ्रिज में स्पेस बनाना पड़ेगा, मैंगो रखे हुए। चाहत कराने बैठ गई है यहाँ पर अपना फोटो शूट केक के साथ, क्योंकि बाद में तो कट जाएगा, फिर तो कुछ नहीं होगा, इसलिए आते ही कराने लग गई थी अपना। गाइस चाहत ने कर लिया अपनी ड्रेस चेंज, अब ये वाले पहन लिए हैं, केक कट करेगी इसलिए ये वाले पहने हैं। सुबह पैंट और वो पहन रखी थी, अब ये 7:30 बज गए। आयु अभी आया नहीं है, आ जाए फिर केक कट करेंगे। इतने में मैं जोत जला लेती हूँ। बर्थडे पे छोटी ये वाली चश्मा लगाएगी, लगा के दिखाना छोटी, ये वाली डांस भी करेगी। और आयु का है अब ग्रीन वाला लगा ले। मम्मी मेरी शादी कर दो, मई जून जुलाई में मेरा दिल नहीं लगता, बोल इसकी पढ़ाई में। मम्मी मेरी शादी करवा दो, मई जून जुलाई
और छोटे का डांस। दीदी केक ले आई, दीदी केक लेकर खड़ी है, यहाँ इनका डांस चल रहा है। छोटे डांस करने लग रही है यहाँ के, और वो केक रख दिया है यहाँ, कैंडल लगाने लग रही है अपनी 14 कैंडल दो। आयु दे दे। अच्छा कोई बात नहीं, आयु जो ला देगा आप कट कर लेना, कोई बात नहीं। एक केक की कैंडल को लेकर इनके तमाशा हो रहा है, मैं जलाऊंगा मैं जलाऊंगा। ये फैन बंद करना पड़ेगा, ऐसे जलेगी भी नहीं। क्योंकि माँ ऊपर है, बार बार नीचे नहीं जा सकती, तो माँ को ऊपर ही खिलाना है। माँ लेटी हुई आराम से, दुनियादारी से दूर। माँ पहचान रही है गोलियां। केक वेक तो कट हो गया है, अब ये गिफ्ट खोल रहे हैं जो छोटी ने दिया था, क्योंकि जो हम सब ने दिया था वो ऑलरेडी इसको मिल चुका था। किसी ने ड्रेस दी थी, किसी ने दूसरे कपड़े, ये बाली भी इसकी गिफ्ट की है, तो अब ये ही रह रहा था एक छोटी वाला। ये खोलने लग रही है, क्या है इसमें क्या नहीं है देखते हैं। बड़ा एक्साइटेड हो रहा है ये तो साथ में खोलने के लिए। ओ ये क्या है, ये तो ABCD दे दी छोटी ने दीदी को सीखने के लिए। और ये सारी चीजें इसमें, रेजिन आर्ट, पता नहीं जब करेगी जब कभी पता चलेगा कैसे हो रही है कैसे नहीं। कैसा लगा छोटे को गिफ्ट? बहुत बढ़िया। आयु कैसा लगा? हैं? दीदी के लिए बालिया। बालिया? छोटी भी आई है। अच्छा क्या देने आई थी अभी अभी? अभी अभी। ये देने आई थी ये। और कैसा इनका टेस्ट? खराब टेस्ट है, इसलिए छोटी दे रही है ये। अच्छा आप भी दो का खराब टेस्ट लोगे। देख लिया छोटे, आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। दीदी ने थैंक यू नहीं बोला? नहीं। छोटी ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, ये चाहत इसके लिए एक रिटर्न गिफ्ट लेके आई थी, भूल गई थी। ये ऊपर ही देख ले, मैंने याद दिलाया इसको, है ना। इसमें क्रेयॉन्स है कितने सारे, इसमें इसमें तो बहुत सारे हैं। कितने? 28 है इसमें। ऐसे मेरे पास एक और है। एक और है? हाँ। तो दीदी एक और ले आई आपके लिए। बाय बाय गाइस। बस केक वेक कट गया है और टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। आयु गए अपने ब्रश करने के लिए, वो ब्रश करके आ जाए फिर सोएंगे, क्योंकि कल इनको स्कूल भी जाना है। अगर लेट सोएंगे तो फिर सुबह उठेंगे नहीं, और कल तो अमावस्या भी है, तो कल खीर बनानी है और सब्जी जो भी बनेगी वो बनानी है। मेरे यहाँ पर हो गया ये पिंपल, ये कल भी दिखाया था एक, ये दूसरा बड़ा तंग कर रहा है दोनों, इसमें दर्द भी होता है। तो इस ब्लॉग को भी बस यहीं एंड कर रही हूँ, आयु को सुलाना और जल्दी से ब्रश करके आ जाए।
अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।